गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आप लोगों कल रिवीजन के लिए 3 बिट्स दिए थे, ये नेक्स्ट बिट है। आप लोगों को सेम पढ़ना है और अपने नोटबुक्स में लिखना है, रिवीजन करना है। थर्ड बिट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कलेक्टिव नॉन। तो कलेक्टिव नॉन से ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट वन, ए डैश ऑफ फ्लावर्स, ए बुकेट। ए डैश ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ए डैश ऑफ पप्पीज, लीटर, ए लीटर ऑफ पप्पीज। ए डैश ऑफ कीस, बंच, ए बंच ऑफ कीस। ए स्वैम ऑफ बीस, स्वैम। ए डैश ऑफ काउस, हर्ट। ए डैश ऑफ फिश, स्कूल, ए स्कूल ऑफ फिश। एंड डैश ऑफ एंट्स, आर्मी, एंड आर्मी ऑफ एंट्स। ए डैश ऑफ डॉग्स, ए पैक ऑफ डॉग्स। ए डैश ऑफ थीव्स, ए गैंग ऑफ थीव्स। नेक्स्ट बिट, राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिखना है आप लोगों को, ये जो डैशेस है ना, डैशेस में। जैसे कि फर्स्ट वन, माय ब्रदर डैश मी ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर माय बर्थडे। तो ब्रैकेट में क्या है, मेक। मेक का वर्ब क्या था, मेड। द चिल्ड्रन डैश आउट ऑफ द विंडो, लुक। लुक का वर्ब, लुक्ड। Our teacher dash us about reptiles today. Teach, teach का verb taught. The principal dash the parents for a meeting this morning. Call, call का verb called. Kavish and Samira dash for their dance class yesterday. To go, go का verb went. The sailors dash on the ropes and their sails extended. Pull, pull का verb pulled. He has dash home, reached. She dash for their friends at the mall. Wait का verb waited. Next, punctuate the sentence correctly, then write Q for questions and S for statement. तो ये जो sentence है आप लोगों को punctuate करना है, यानी fully stop question mark से punctuate करके वो question है तो Q लिखना, अगर sentence है, statement है तो एस लिखना। द सी इज़ ब्लू, तो यहाँ पर फुल स्टॉप डालना, डाल कर ये एक सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर सी ब्लू है बोल रहे, तो एस। डू यू लाइक केक, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे आप लोगों को केक पसंद है, तो क्यू, क्वेश्चन मार्क भी डालना। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, एस, यानी स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप। हाउ डू बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, यहाँ पर बर्ड्स अपना नेस्ट कैसा बिल्ड करते, क्वेश्चन पूछ रहे, तो क्वेश्चन मार्क डालना, फिर क्यू लिखना। सुमा पेंट वेल, सेंटेंस है, फुल स्टॉप, एस। जाफर डज नॉट लाइक टू वेस्ट फूड, ये भी एक स्टेटमेंट है, तो फुल स्टॉप और एस। कैन यू राइड ए बाईसाइकिल, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे, तुम साइकिल चला सकते क्या, तो क्वेश्चन मार्क एंड क्यू। मोस्ट ऑफ दिस एप्पल्स आर फ्रेश, ये भी एक स्टेटमेंट है, तो फुल स्टॉप एस। तो ये बिट्स आप लोगों को पढ़ना है और अपने नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।